और अब बात रामलीला के मंचन की। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भगवान परशुराम का दमदार अभिनय किया है। राजा जनक के प्रमुख मंत्री हास्य अभिनेता असरानी ने राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के अवसर पर अपने अनूठे हास्य अंदाज में राजाओं को भी आमंत्रित किया है। आपको दिखाते हैं। पधार रहे हैं महामुनि विश्वामित्र के साथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। मध्य में ये भगवान शंकर का विशाल और कठोर धनुष रखा है। जो भी वीर इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, सीता जी उसको अर्पण होंगी। तो वीरों, अब आप बारी बारी से आएं और स्वयं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण करें। दीप दीप के राजा गढ़ो। वहीं मनोज तिवारी की तरफ से इस रामलीला मंचन में अभिनय करने को लेकर क्या कुछ कहा गया है, जो कि परशुराम की किरदार में थे, वो भी आपको सुनाते हैं। आज विष्णु जी के छठे अवतार में हैं मनोज तिवारी जी, और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप परशुराम के? मैं तो सबसे कहूंगा अपने अंदर परशुराम जगा के रखिए। परशुराम ने हमेशा अत्याचार और अधर्म के खिलाफ फरसा उठाया। जरूरी नहीं कि आप फरसा उठाएं, लेकिन गलत का विरोध भी परशुराम की प्रवृत्ति मानी जाएगी। कोई समाज में अन्याय कर रहा हो, कोई बेटियों का उत्पीड़न कर रहा हो, वहाँ पे परशुराम को, अपने अंदर के परशुराम को जगाना चाहिए। और एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम, क्योंकि आप मंच पर जाने वाले हैं, और मंच पर जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि प्लीज सपोर्ट रामलीला। रामलीला बहुत बड़ा साधन है रामचरित्र को घर घर पहुंचाने का, इसको सपोर्ट करिए।